Hello everyone. So, children, today we are going to read chapter four of your text Honeydew, and the name of the chapter is Bipin Choudhury's lapse of memory. It's really a very interesting chapter, and about what it is, who is Bipin Choudhury here, and what kind of lapse of memory he is having. So, this thing we are going to see here in this chapter, and this chapter is written by Satyajit Ray.

या फिर ये कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो भूल जाना सो हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस पर्सन बिपिन चौधरी ओके अबाउट हिज लैप्स ऑफ मेमोरी सो लेट अस सी हियर बिफोर यू रीड व्हाट अबाउट इट इज नाउ हियर द राइटर इज सेइंग डू यू हैव अ गुड मेमोरी हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू इट मीन्स हेयर इफ़ आई आस्क यू पीपल अ क्वेश्चन कि आप में आप लोगों की याददाश्त अच्छी है डू यू हैव अ गुड मेमोरी या फिर हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू यानी क्या कोई ऐसी ट्रिक या कोई ऐसा मजाक या कोई ऐसा कुछ हुआ हो तुम्हारी याददाश्त के साथ Forgetfulness ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट हेयर इट मीन्स फगेटफुलनेस यानि भूलने की आदत हमको अक्सर किसी मुसीबत में फंसा देती है if we don't remember anything about that incident if anybody ask us where have you kept that thing और वो चीज़ जब हमको नहीं मिलती है हमने वो चीज़ कहाँ रखी है तो बहुत अक्सर ऐसा हम problem में फंस जाते हैं but forgetting a part of your life completely may drive you crazy लेकिन अपनी life का कोई एक हिस्सा भूल जाना a part of life इट्स रियली मे ड्राइव यू क्रेजी ड्राइव यू क्रेज़ी का मतलब इससे शायद हम पागल साबित हो जाते हैं ओके हाउ अ पर्सन कुड फर्गेट एनी इंसिडेंट एनी पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इट्स नॉट इट्स रियली रेयरली पॉसिबल ओके बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी इन दिस स्टोरी बिकॉज ही कैनॉट रिकलेक्ट हि स्टे एट रांची इस कहानी में बिपिन बाबू नियरली क्रेज़ी यानी कि अपने आप को वो पागल समझने लगते हैं क्योंकि रिकलेक्ट यानी उनको याद नहीं आ रहा है कि वो कभी रांची जाकर रहे ही इज नेवर बीन टू रांची ही इंसिस्ट इंसिस्ट यानी उनका ये मानना है उनका ये कहना है कि वो कभी रांची गए गए ही नहीं लेकिन बहुत से ऐसे विटनेस है देर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रली लेकिन इस बात के बहुत सारे विटनेस है बहुत सारे गवाह है जो ये कहते हैं कि वो रांची गए थे और बिपिन बाबू का ये कहना है कि वो रांची कभी गए ही नहीं तो यहाँ पर उनको एहसास होता है कि क्या कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ कि मैं अपनी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा कैसे भूल सकता हूँ कि मैं रांची गया और मुझे याद नहीं रेयरली रेयरली हैपन्स टू समन सो ही इज़ नॉट रेडी टू बिलीव ऑन दिस थिंग वॉट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट तो इस कहानी में इस इंसिडेंट का सस्पेंस क्या है दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर दिस चैप्टर इज एक्चुअली इन फोर पार्ट्स ओके सो वी विल रीड दिस चैप्टर इन फोर पार्ट्स सो बी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड क्लियर सो नाउ लेट अस मूव इस टूअर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एवरी डे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन चौधरी वो ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स एवरी मंडे यानी हर मंडे विपिन बाबू काम से लौटते समय ऑन हीज वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन ड्रॉप इन का मतलब रुकना ऐट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बाई बलीचरण एक बुक स्टोर है ठीक है और वो रोज़ मतलब जब भी वहाँ से लौटते हैं तो अक्सर वहाँ पर बुक्स ख़रीदने के लिए रुक जाते हैं क्राइम स्टोरीज घो स्टोरीज एंड थ्रिलर्स ही हैड टू बाई एटलीस्ट फाइव एट अ टाइम टू लास्ट डेम थ्रू द वीक इट मीन्स क्राइम स्टोरी घो स्टोरी और थ्रिलर्स इनमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे तो उनको एक बार में पाँच बुक्स खरीदनी पड़ती थी ताकि एटलीस्ट अगले मंडे तक पूरा एक हफ्ता चल जाए बिकॉज ही हैड अ गुड हैबिट ऑफ रीडिंग ही लिव अलोन वॉज नॉट अ गुड मिक्सर हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट इट मीन्स वो अकेले रहते थे गुड मिक्सर यानी लोगों के साथ घुल मिल कर रहना उनको पसंद नहीं था हैड फ्यू फ्रेंड्स बहुत कम फ्रेंड्स थे उनके एंड ही डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट यानी फालतू बैठ के गप्पे लड़ाना किसी से बातें करना ये चीज़ें इनको पसंद नहीं थी Today, Charans, okay, store, shop, विपिन बाबू को टुडे काली कालीचरण्स ओके कालीचरण मीन्स द बुक स्टोर कालीचरण बुक शॉप नाउ ही वॉज एट दैट बुक शॉप विपिन बाबू विपिन बाबू हैड द फीलिंग डेट सम वन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स तो जब वो उस बुक स्टोर में गए तो उनको एक फीलिंग आई ऐसा एहसास हुआ कि कोई उनको बहुत करीब से घूर के देख रहा है ओके क्लोज क्रॉटस ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इन टू अ स्माइल तो जब उन्होंने मुड़ के देखा जब उनको ऐसा फील हुआ कि कोई तो मुझे घूर रहा है तो उन्होंने मुड़ के देखा तो ही फाउंड हिमसेल्फ उन्होंने देखा कि एक राउंड फेस का पर्सन मीक का मतलब बहुत इनोसेंट हम्बल मीक मीक लुकिंग मैन ब्रोक इंटू अ स्माइल तो जैसे ही उन्होंने उन उसकी तरफ मुड़ के देखा उसके चेहरे पर एक स्माइल आई आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी तो वो जो पर्सन है वो कहता है आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी शायद आपने मुझे पहचाना नहीं तो बिपिन बाबू पूछते हैं हैव यू मेट बिफोर क्या हम पहले मिले हैं द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज वो पर्सन बहुत सरप्राइज शॉक्ट हो जाता है ही सेज वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक हम एक हफ्ते तक रोज मिलते थे आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू दुड्रो फॉल्स मैंने आपको एक कार भी अरेंज करके दी थी फॉल्स जाने के लिए दैन ही सेज यू कुड सी हियर इन 1958 इन रांची माय नेम इज़ परिमल घोष तो कहता है इन 1958 इन रांची यानी उसका ये कहना है कि हम रांची में मिले थे और वहाँ पर आपको फॉल्स जाना था तो मैंने आपको कार अरेंज करके दी थी एंड विच ईयर इट वॉज़ इन नाइनटीन फिफ्टी एट और वो अपना नाम क्या बताता है माई नेम इज़ परिमल गोल्स रांची नाउ पिपिन बाबू रियलाइज टेट इट वॉज़ नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज़ मेकिंग मिस्टेक पिपिन बाबू को ऐसा लगता है ही रियलाइज कि वो नहीं बल्कि उस आदमी को जो परिमल घोष है उसको शायद कोई गलती हुई है मुझे पहचानने में बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची बिपिन बाबू का ये मानना है कि वो कभी रांची गए ही नहीं ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट मीन्स ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट कि हाँ उन्होंने बहुत बार अपना माइंड बनाया ही वॉन्टेड टू गो ओवर देयर ही मेड सेवरल टाइम्स टू गो ओवर देयर बट कुछ ना किसी रीज़न से वो वहाँ जा नहीं पाए लेकिन वो कभी रांची गए नहीं ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम तो वो कहते ही स्माइल्ड एंड सेड कि आपको पता है मैं कौन हूँ द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज यानी कि जब हमसे कोई ऐसे पूछता है तो वट आर

वेल, ओके बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक वन ऑफन डज आई हैव नेवर बीन टू राजी तो बिपिन बाबू फिर से बुक शेल्फ की तरफ मुड़ जाते हैं उसकी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और कहते हैं कि आप अभी भी कुछ मिस्टेक कर रहे हो और जनरली लोगों से हो जाती है ठीक है ऑफन यानी इज जनरली ऑफन हैपन्स बाय द पीपल मिस्टेक हो जाती है हम जब किसी को देखते हैं हमको ऐसा लगता कहीं ये वो तो नहीं एंड ही सेज विपिन बाबू क्या कहते हैं ही श्योर डेट आई हैव नेवर बीन टू रांची मैं कभी भी रांची नहीं गया द मैन नाउ लाव्ड अलाउड तो वो आदमी जोर जोर से हंसता है वॉट आर यू सेन मिस्टर चौधरी यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी आप क्या कह रहे हो बिपिन बाबू यू हैड अ फॉल इन हुड्रो यानी आप हुड्रो में एक बार गिर गए थे और आपके राइट right नी में एक चोट आई एक कट आया था आई ब्रॉट यू आयोडिन आई हैड फिक्स्ड अपॉर यू टू गो टू दटार हर्ट द नेक्स्ट डे बट यू कूडन बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी फिर मैं आपके लिए आयोडीन यानी उसके ऊपर लगाने के लिए आयोडीन लेकर आया और मैंने आपको कार भी अरेंज की नेटार हट जाने के लिए अगले दिन लेकिन आपके पैरों में इतना दर्द था कि आपने वहाँ जाने से मना कर दिया कान टू रिकॉल एनी क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है रिकॉल मीन्स टू रिमाइंड रिमेंबर समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन राची एट द टाइम आपके साथ राची में एक और पर्सन था मिस्टर दिनेश मुखर्जी यू स्टेड इन अ बंगलो मिस्टर दिनेश मुखर्जी और आप वहाँ पर होटल में न रुक कर एक बंगलो में रहे थे यू सेड यू डिडेंट लाइक होटल फूड एंड वी वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय बावरची ओके okay, तो वो कहता है कि आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है तो आपने सॉरी घर का खाना खाने के लिए इंसिस्ट किया बावर्ची के हाथ का फिर मिस्टर मुखर्जी जो अपनी सिस्टर के साथ रहते थे उस बंगलो में यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेम्बर I'll tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? So he says, you had a big argument about the moon landing. Remember, रिमेम्बर मतलब ये कि आपने मिस्टर मुखर्जी के साथ मून की जमीन पर लैंडिंग के बारे में भी बहुत बहस हुई थी और इसके अलावा और भी मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ यू ऑलवेज़ कैरिड अ बैग विद्यो बुक्स इन इट आपके हमेशा आपके साथ एक बैग रहता है जिसके अंदर आपकी बुक्स रहती है ऑन योर साइड सींग ट्रिप्स यानी आप जहाँ पर भी ट्रिप्स पर जाते हैं वहाँ पर आपके साथ ये बैग हमेशा रहता है जिसके अंदर बुक्स रहती है एम आई राइट और नॉट क्या मैं सही हूँ या गलत बाब बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली हिस्स आई स्टिल ऑन द बुक्स अब बिपिन बाबू उनकी नज़रें उस बुक में ही गड़ी हुई है कालीचरण की शॉप में ये बातें कर रहे हैं दोनों तो बिपिन बाबू धीरे से बोलते हैं विच मंथ इन फिफ्टी एट आर यू टॉकिंग अबाउट तो वो कहता है कौन से महीने की बात कर रहे हो फिफ्टी एट ईयर की तो द मैन सेड ऑक्टोबर ओके ही सेज इन ऑक्टोबर नो सर सेड बिपिन बाबू आई स्पेंड पूजा इन फिफ्टी एट विद अ फ्रेंड इन कानपुर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक गुड डे तो बिपिन बाबू कहते हैं नो यू आर रॉन्ग क्योंकि इस टाइम फिफ्टी एट में मैं पूजा में था ठीक है अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में और आपको बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है और फिर वहाँ से वो गुड डे कह के, के वहाँ से चले जाते हैं इसका मतलब उसका ये कहना है कि नाइनटीन फिफ्टी एट में वो रांची में थे लेकिन बिपिन बाबू का ये कहना है कि अक्टूबर मंथ में 1958 में वो कहाँ पर थे अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में ओके सो ही सेज़ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक एंड हियर ही सेज़ गुड डे एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर ही लेफ्ट दैट शॉप बट द मैन डिड गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग लेकिन वो जो पर्सन था परिमल कोज वो वहाँ से नहीं हिलता है और वो अपनी बात कंटिन्यू करता है वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ टेन इयर्स अगो। तो दैट पर्सन सेज वेरी स्ट्रेंज बहुत अजीब बात है डेट यू आर स्टिल नॉट रिमेंबरिंग एनीथिंग वन इवनिंग आई हैड ए टी विद यू इन अ बरेंडा ऑफ योर बंगलोम एक दिन मैंने आपके बंगलोम के बरेंडा में बैठ कर आपके साथ चाय भी पी थी यू स्पोक अबाउट योर फैमिली यानी आपने आपकी फैमिली के बारे में भी मुझे बताया था यू सैड एट यू हैड नो चिल्ड्रन आपने कहा था कि आपके कोई चिल्ड्रन नहीं है एंड यू हैड लॉस्ट योर वाइफ टेन यर्स अको और आपकी बीवी आपकी वाइफ दस साल पहले ही गुजर गए योर ओनली ब्रदर हैड है सें योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सैन मतलब ये कि आपके सिर्फ एक भाई था वो भी इन सन इन सें का मतलब होता है कि पागल हो जाना ठीक है तो आपका सिर्फ़ एक भाई था वो भी पागल होने की वजह से मर गया था विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विज़िट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची और यही रीज़न था कि आप मेंटल हॉस्पिटल रांची के हॉस्पिटल रांची हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे जो रांची में था वैन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिस तो जब बिपिन बाबू उसकी बातें सुन तो रहे थे लेकिन ऐसा शो कर रहे थे जैसे उस उनको कोई इंटरेस्ट नहीं उसकी बातों में तो उन्होंने उन बुक्स के पैसे पे किए एंड वॉज लिविंग द शॉप एंड वैन ही वॉज लिविंग द शॉप वो वहाँ से जब दुकान से बाहर निकल रहे थे उन्होंने देखा वॉट ही नोटिस डेट मैन वो पर्सन ही वॉज स्टिल लुकिंग एट हीम वो अभी तक बिपिन बाबू को कंटीन्यूसली घूर रहा था इन अटर डिसबिलीव अटर का मतलब बहुत ही ज़्यादा और डिसबिलीव का मतलब विश्वास नहीं करना नॉट टू बिलीव इट मीन्स द लुकिंग ऑफ दैट मैन शोज दैट ही वॉन्ट टू से ही वॉन्ट टू एक्सप्रेस डैट ही स्टिल नॉट इन बिलीविंग कि अभी तक भी बिपिन बाबू को इतना बड़ा इंसिडेंट याद नहीं है कि हम रांची में मिले थे और एक वीक तक एक साथ रहे मिस्टर मुखर्जी से मिले उनके बंगलों में रहे बावर जी के बारे में बात की उनसे बहस हुई और खुद उस पर्सन ने सारी फैमिली के बारे में डिटेल बिपिन बाबू के फैमिली के बारे में उनको बताई लेकिन फिर भी बिपिन बाबू इस बात को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि वो रांची गए थे और उस पर्सन से मिले थे ओके सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर न वॉट इज गोइंग टू हैपन इन द सेकेंड पार्ट दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी इन आर नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू